जी सर, ताज साहबा कहते हैं दुश्मन में टक्कर का मिलना चाहिए तो मजा आता है। मरियम साहबा से मुकाबला बढ़ गया, खुश है कि क्या दुख हो रहा है, क्या चक्कर है? सो बिस्मिल्ला हराएंगे, जबरदस्त हराएंगे। मैडम मरियम नवाज का ये कहना है सर ताज साहबा सिर्फ बातें करती है, इस तो मैं उनको बता दूं कि मुकाबला किसके शेरनी के साथ पड़ा है। किसने कहा है? मरियम साहबा ने। जहाना पांडे की औलाद को बात करनी आ गई, मैं तो समझिए मैट्रिक फेल है, इसको तो बात भी नहीं करनी आती है। तो मैडम आप ये बताएं जनाब, हमें कैशमिन याशिर साहब की ऑडियो लीक हुई है जिसमें जनाब वो कह रहे हैं कारखान अपने एमपीएस साथ लेके आए, तो आप क्या कहेंगे जनाब कारखान को, एमपीएस को कारखान साथ लेके आना चाहिए यहाँ पे? देखिए मेरी बात सुने, यहाँ जितने भी कारकुनान आए हुए ना, चाहे खवातीन है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे यंगस्टर्स है, ये अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ने के लिए इमरान खान का साथ देने के लिए आए हैं। तो जहाँ तक ऑडियो वीडियो लीक की बात है, मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ कि ऑडियो वीडियो लीक जो है ना, उसकी एक्सपर्टीज जो है वो मरियम नवाज के पास है। ऑडियो वीडियो के बारे में आप मरियम नवाज से पूछा करें, क्योंकि वही ऑडियो वीडियो निकाल के लोगों को फोर्ज करके ब्लैकमेल करती है। ये उसी की पर्सनालिटी, ये उसी का खास है, उसी की फील्ड है। तो सर ताज साहब आखिरी सवाल, क्या इस तरह एमपीए जो सिलेक्ट होंगे हाँ साहब मेरिट पे करेंगे? लास्ट टाइम हमने देखा जो सिलेक्शन हुई थी उस पर लोगों ने बहुत तनकीद की थी। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसने 100 के करीब यंगस्टर्स लीडर्स पार्लियामेंट में भेजे और फिर उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाए, इंक्लूडिंग मी, मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब, अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी, कितने का मैं नाम ले लूँ, जो पहली दफ़ा पार्लियामेंट में गए और हमने बड़े बड़े बुर्ज गिराए और हमें जो सियासत थी वो नजरियत के तहत मिली थी, कोई प्लेट में रख के नहीं मिली थी। हमें किसी ने बिलावल के जरिए, एक पर्चे के जरिए नहीं दी थी, या मरियम नवाज की तरह के वो नाजेबा वीडियो बना के लोगों को ब्लैकमेल करें। हमने तो नजरियत के तहत लोगों को हराया, बड़े बड़े बुर्ज गिराए। तो हमारी पार्टी में तो जो कारकुन मेहनत करेगा ना, जो कारकुन मेहनत करेगा उसको टिकट मिलेगी। जो लोग बिके, जो लोग लौटे हुए, उन्होंने अपनी जिंदगी की इज्जत खत्म की, सियासत खत्म की, सारी जिंदगी, और उनको मुबारक हो कि वो मरियम नवाज के बाथरूम के लोटे बन गए, क्योंकि मरियम नवाज ने कहा था कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। मैडम आखिरी सवाल, मरियम नवाज को आप कितनी रिश्वत खिलाएंगे? हरा तो आपने देना, कितने परसेंट खिलाएंगे बता देना? नहीं ये तो आवाम बताएंगे ना, आवाम पीटीआई के साथ बल्ले के निशान के ऊपर।